यही बेचैनी मजबूर कर रही है उसे आपका बार बार स्टेटस देखने के लिए। आपको ऐसे में एक चीज ध्यान रखनी है, ब्रेकअप के बाद भी अगर आपकी एक्स आपको फॉलो कर रही है, आपका स्टेटस देख रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों करती है, क्या चल रहा है उसके माइंड में, छोड़कर चली गई तो क्यों आपकी लाइफ में इंटरेस्ट दिखा रही है, अगर आप यही जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा कुशवाहा, आप देख रहे हैं गिल टॉक, शुरू करते हैं वीडियो। अक्सर मेरे पास ऐसे कॉमेंट्स मैसेजेस बहुत सारे आते हैं जिसमें आपका एक ही सवाल होता है कि यार ब्रेकअप करके तो चली गई, अब बार बार मेरा स्टेटस क्यों देख रही है, अब इसको क्या चाहिए, मुझे ब्लॉक क्यों नहीं कर देती, क्या इंटरेस्ट है इसका मेरी लाइफ में या मेरे स्टेटस में। पता है क्या इंटरेस्ट है? यह है क्यूरियोसिटी। चाहे वो आपको पसंद करती हो या नहीं करती हो, चाहे उसका दिल आपसे हट गया हो या उसकी जिंदगी में कोई और आ गया हो, बट इस चीज को आप समझिए कि आप दोनों एक लंबे टाइम तक एक रिलेशनशिप में रहे थे, एक साथ में थे। अब ये जो ब्रेकअप है आपका, वो चाहे आपने किया या फिर उसने किया, रिश्ता तो दोनों का था ना। इस रिश्ते की वजह से ही मन में एक इच्छा रहती है ये देखने की कि यार जिसको मैं छोड़कर आई हूं ना, अब उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो ठीक है, क्या वो दुख में है, क्या वो दर्द में है, क्या वो मुझे ब्लेम कर रहा है, क्या वो रो रहा है, क्या मुझे गालियां दे रहा है। ये सब चीजें जानने की इच्छा है उसकी। और ये सब चीजें कैसे पता चलेगी? आपके स्टेटस से। नॉर्मली हम सब क्या करते हैं, हम दुखी हैं तो स्टेटस लगा देते हैं, हम खुश हैं तो स्टेटस लगा देते हैं। लाइफ में क्या चल रहा है हमारी, काफी हद तक ये हमारे स्टेटस से पता चलता है कि हमने क्या वहां पर टांग रखा है अपने स्टेटस पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक पर किस तरह की पोस्ट हम लोग डाल रहे हैं। उससे समवेयर हमारी लाइफ में, हमारे दिमाग में चलने वाले थॉट, चलने वाली चीजों का पता चलता है। अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप दोनों का है नहीं क्योंकि ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन जानने की इच्छा फिर भी है। और वही इच्छा, वही क्यूरियोसिटी, वही दिमाग की बेचैनी कि आप क्या कर रहे हो, यही बेचैनी मजबूर कर रही है उसे आपका बार बार स्टेटस देखने के लिए। और काफी हद तक यही एक रीजन होता है जिसके वजह से वो लड़की या फिर वो लड़का जो ब्रेकअप कर चुका है उसके बावजूद आपका स्टेटस देखता है, आपको छुप छुप कर देखता है कि क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में। बट इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्या करना है, आपको यहां पर क्या डिसीजन लेना है, अपना स्टेटस दिखाना है या फिर छुपाना है, स्टेटस लगाना है या डिलीट करना है, ये भी ज्यादा जरूरी है, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ब्रेकअप हो गया, आप भी दुखी हैं, अभी आप इफेक्टेड हैं, तभी आपको फर्क पड़ रहा है उसके आपका स्टेटस देखने से। अगर आप मूव ऑन हो चुके होते ना तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका स्टेटस देखे या नहीं देखे, बट आपको तो फर्क पड़ रहा है। इसका क्या रीजन है? इसका यही रीजन है कि अभी तक आपके दिल और दिमाग पर आपका एक्स, आपकी एक्स हावी है, वो निकल नहीं रही है। जब जब वो आपका स्टेटस देखती है आप बेचैन हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता क्या करें, आपको लगता है क्या पता वापस आ जाए, एक होप बनती है, बहुत सारी चीजें आपके दिल में चलने लगती हैं। आपको ऐसे में एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई हमें छोड़कर जाए या फिर हम किसी को छोड़ के जाए, उसके बावजूद एक जानने की इच्छा रहती है कि सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, जो कि मैंने अभी बताया आपको, इसलिए उसकी भी इच्छा है। आपको भी उसे अब बेचैन कर देना है, जितने बेचैन आप है ना उतना ही बेचैन आप उसे भी कर दीजिए। वो बेचैनी आप कैसे बढ़ा सकते हैं, वो कर सकते हैं आप उसे ब्लॉक करके। आप उसे हर जगह से, बिलीव मी, हर जगह से ब्लॉक कर दें, स्टेटस से उसको हाइड कर दें, अपनी इंस्टाग्राम आईडी या तो डिलीट कर दें या फिर प्राइवेट कर दें। प्राइवेट करने के बाद कोई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट
एक्सेप्ट ना करे, किसी को फॉलो ना करे, ये सब चीजें करने से क्या होगा, आपकी लाइफ समवेयर हाइड हो जाएगी। अब आपके एक्स को आपके बारे में आपके स्टेटस से, आपके सोशल मीडिया आईडी से ही पता चल रहा है। जब ये सब चीजें आप प्राइवेट कर देंगे ना, तो वो इंसान एकदम बेचैन हो उठेगा आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने के लिए। उसको बहुत ज्यादा खलबली हो जाएगी कि यार क्या हो रहा है, अब ये क्या कर रहा है, ये मूव ऑन हुआ या नहीं हुआ, क्या ये दुखी है, क्या ये सुखी है, वो सब उसके दिमाग में चलने लगे। इससे वो इंसान बेचैन हो जाए। तो जरूरी है कि जब आपका एक्स ब्रेकअप करके चले जाए और आपका बार बार स्टेटस देखे जिससे कि आप बेचैन हैं, वहां पर आप उसे ब्लॉक कर दें। वो आपके पास वापस नहीं आना चाहता, अगर आना चाहता तो आपसे बात कर लेता खुलकर, या फिर कर लेगा फ्यूचर में जब उसको आना होगा। फिलहाल वो बस ये जानना चाहता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और आपको ये चीजें उससे पता नहीं लगने देनी है। आपको उससे हर तरीके से कनेक्शन तोड़ देना है ताकि वो भी बेचैन रहे जैसे कि आप है। आपको नहीं पता चल पा रहा उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, इसलिए उसको भी नहीं पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। ब्लॉक करके आगे बढ़ो। इसके बाद एक और जो आपके दिमाग में सवाल आता है कि भाई ब्लॉक कर देंगे ना तो उसके वापस आने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इस डर के वजह से मैनी टाइम आप ब्लॉक भी नहीं करते। बट यकीन मानिए, आज के टाइम पर ना किसी इंसान को आप तक पहुंचना होगा तो वो पहुंच ही जाएगा। आप उसे ब्लॉक कर दीजिए, आपका नंबर तो है ना उसके पास, आपकी आईडी तो है ना उसके पास, तो क्या जब वो आपके प्यार में पागल होगा या फिर वापस आना चाहेगा तो एक नए नंबर से, दोस्त के नंबर से, फैमिली के नंबर से, किसी रिलेटिव के नंबर से आपको एक कॉल और मैसेज नहीं कर पाएगा, किसी नई आईडी बनाकर आपको फॉलो नहीं कर पाएगा। तो जब उसे आना होगा तो वो आ जाएगा, और आने के हजार तरीके वो ढूंढ लेगा। आज के टाइम पर ये तरीके ढूंढना मुश्किल नहीं है, जिसका नंबर आपके पास में है उससे आप कॉल कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि आपने ब्लॉक कर दिया तो कि उसके आने के रास्ते बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपके ब्लॉक करने के बाद उसके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कैसे बढ़ जाएंगे आपके ब्लॉक करने के बाद उसके आने के चांसेस, ब्लॉक करने के बाद वो क्यों वापस आएगा, अगर आपको ये जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी कि ब्लॉक करने के बाद पार्टनर क्यों वापस आता है। फिलहाल के लिए होप ये वीडियो आपको यूजफुल साबित होगी, आपको समझ में आएगा कि क्यों आपका एक्स आपको देख रहा है, आपके स्टेटस को चेक कर रहा है। वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। स्टिल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है इसके रिगार्डिंग हम उससे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ जो कि पेड़ नाउ। मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।